हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो इंसर्ट के बटन से स्टॉक डालते हैं या हम क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं, तो उसकी रिपोर्ट हम कैसे देखें कि हमने कितना स्टॉक फीडिंग किया है इसके अंदर और कितना हमारे पास परचेज से आया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहें ताकि आप इसकी भी रिपोर्ट को जान पाए कि जो आप इंसर्ट के बटन से कर रहे हैं या फिर आपका यूजर इंसर्ट के बटन से स्टॉक को प्लस माइनस कर देता है, तो इसकी रिपोर्ट आप कैसे देखेंगे। तो बने रहें मेरे इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे। और दोस्तों सॉफ्टवेयर बाय करना है या कस्टमाइजेशन करानी है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया आइटम लिस्ट में। आइटम लिस्ट में मान लीजिए मेरे पास ये दो आइटम है, मैं इसको इंसर्ट के बटन से एंटर करके और मैं इसका स्टॉक फीड कर देता हूँ। मान लीजिए 50 स्टॉक मैंने इसका डाल दिया और इसको सेव कर दिया, और ऐसे ही नीचे जो आइटम है इसका मैं 100 कर देता हूँ, कोई भी बैच मेंशन कर देता हूँ और 100 पीस मेरे पास अवेलेबल है ऐसा मैं डाल देता हूँ उसमें, और इसको भी मैंने सेव कर दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो स्टॉक फीडिंग करी है, हो सकता है कि पहले भी दो चार और मैंने की हो, तो मुझे अब इसकी रिपोर्ट कैसे निकालनी है। तो इसके लिए अब आपको ध्यान से समझना है, जो आप टॉप में मेनू देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन के मेनू में आपको आना है, और ट्रांजेक्शन मेनू में आने के बाद आपको यहाँ पे परचेज के अंदर आना है, जो आप देख पा रहे हैं परचेज। और परचेज में आपको सबसे लास्ट में ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंसर्टेड स्टॉक, इस पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको एग्जैक्ट जो भी आपने इंसर्ट के बटन से या क्लोजिंग स्टॉक आपने डाला है उसकी सारी रिपोर्ट आपके सामने आ गई। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके यूजर का नाम है, जैसे जो आप यूजर आई डी बनाते हैं अलग अलग यूजर के लिए, तो ये उसका नाम है कि किसने ये स्टॉक फीड किया था, ताकि आपके पास प्रॉपर ट्रैकिंग हो कि ये राम ने किया है, श्याम ने किया है या किसने किया है, और कौन सी डेट में ये स्टॉक फीड हुआ है। जैसे कि यहाँ पे डेट देख पा रहे हैं कि ये 3/1 को हुआ है, ये 25 को हुआ है, इस तरीके से। और कौन सा वो आइटम है जो आप ये देख पा रहे हैं आइटम, कौन सा वो बैच है, ये सारे के सारे बैचेस हैं, और कितनी क्वांटिटी फीडिंग हुई है इसके अंदर, ये वो चीज है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने दो स्टॉक 25 तारीख को डाले थे 25/10 को, और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 25/10 को मैंने 58 क्वांटिटीज में मेंशन किया और इसमें 67। और अभी जो मैंने लाइव आपके सामने किया है, और आज 3 तारीख है, 3 जनवरी है, ये देखिए 3 जनवरी को इस आइटम का जो स्टॉक फीड किया मैंने 100 किया, तो 100 आपको दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही मैंने जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है 3 तारीख का आइटम ये, और इसमें हमने करा था 50 फीड, तो यहाँ पे 50 दिखाई दे रहा है। इस तरीके से जो है जो भी स्टॉक फीडिंग हो रही है, जो भी इंसर्ट के स्टॉक से जो लोग मेंशन कर देते हैं या क्लोजिंग स्टॉक में जाके स्टॉक को अपडेट कर देते हैं, तो उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और अगर आपके पास मल्टी यूजर है तो उनके नाम भी आपको मिल जाएंगे कि किस पर्सन ने ये किया है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि जो भी हम इंसर्ट के स्टॉक को फीड करते हैं या क्लोजिंग से फीड करते हैं उसकी रिपोर्ट कैसे आपको मिलेगी। बकायदा आपको नाम, आइटम के नाम, डेट, बैच, ये सारी चीजों की डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।